जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सीट्री पे। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट हमने शुरू किया है जनरल साइंस को। जनरल साइंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, ठीक, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। इस जनरल साइंस को हमने तीन पार्टों में पढ़ेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी। हमने लास्ट मेरे प्यारे साथियों फिजिक्स को शुरू किया था। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमें आने वाले समय में, ये सब कुछ बता रखा है हमने, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था हमने मापन एवं मात्रक। क्या सीखा था हमने? मापन एवं मात्रक हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था, और उसमें सीखा था हमने फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ क्या हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करते हैं, इनके बारे में हमने सीखा था। इसके आगे हमने भौतिक राशियों के प्रकार सीखे थे, भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, तो भौतिक राशियां ये तीन प्रकार की हैं। ऐसे ही यूनिट सीखी थी, यूनिट क्या हैं, यूनिट के टाइप्स ऑफ यूनिट क्या हैं, यूनिट कितने प्रकार की होती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमने सब सीख लिया है। ऐसे ही पद्धतियाँ मात्रकों की के बाद सीखा था, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स हैं इनके, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी हैं, राशियां हैं इनके, यूनिट सीजीएस प्रणाली में क्या होगी, एसआई प्रणाली में क्या होगी, एमकेएस में क्या होगी, ये सब कुछ सीखा है। इन सारी वीडियो को देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बनी हुई है, जिससे आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हालांकि हमने कुछ प्रीफिक्स पढ़ाए थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनसे सवाल रहते हैं, जो किसी भी मात्रक के पहले लगाए जाते हैं प्रीफिक्स, वो हमने सीखा था। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं जो ठीक है उन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, देखते हैं पहला क्वेश्चंस है क्या। पहला क्वेश्चन की बात करें हम, ये कह रहा है द यूनिट ऑफ पावर इज, द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति का मात्रक क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले तो हम सीखेंगे ये शक्ति क्या है। क्या सीखने वाले हम? शक्ति है क्या, वो उसके बाद सीखेंगे मात्रक के बारे में। शक्ति की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, पावर है, क्या है ये? पावर। और पावर क्या होती है? कार्य करने की दर होती है। क्या होती है? पावर क्या होती है? कार्य करने की दर। पावर क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। कार्य करने की जो दर होती है उसे सामर्थ्य कहते हैं, इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। और P बराबर होता है मेरे बच्चों W/T। क्या होता है? W/T होता है P बराबर। W यहाँ पर कार्य है और T क्या है मेरे प्यारे साथियों? समय है। यानी कार्य बटे समय क्या होती है? पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक। कार्य बटे समय क्या होती है? शक्ति होती है। तो इस शक्ति को सीखा हमने, P बराबर क्या होता है? W/T। यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है P को, यानी P की यूनिट क्या है, P का मात्रक क्या है। P के मात्रक को सीखने के लिए मेरे बच्चों देखेंगे यहाँ W/T है। तो W क्या है? कार्य है। और कार्य का मात्रक की बात करें तो क्या होता है? जूल होता है, ठीक है, क्या होता है? जूल होता है। जबकि टाइम है T, इसकी यूनिट क्या होती है? समय होती है, सॉरी सेकेंड होती है। समय की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। जूल बटे सेकेंड, तो पर सेकेंड को ही मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, जूल पर सेकंड, क्या बोलेंगे इसी को? जूल पर सेकंड, क्या बोलते हैं इसी को? जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। जूल पर सेकंड अथवा इसी को बोला जाता है वाट। क्या बोला जाता है? वाट। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने ये सीखा कि जो पावर है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। तो सी विल बी द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है? सी विल बी द राइट आंसर। पावर के बारे में और सीखे मेरे प्यारे साथियों। मैकेनिक्स की बात करें, यांत्रिकी में बात करें, जितने भी वाहनों के इंजन्स होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, उनकी जो पावर होती है वो पावर, ठीक है, हॉर्स पावर के रूप में आती है। यानी उसकी जो सामर्थ्य होती है वो किसमें होती है? शक्ति जो होती है उनकी हॉर्स पावर में होती है। किसमें होती है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर बोल यानी अश्व शक्ति, हिंदी में बोले तो। क्या बोलते हैं हिंदी में? अश्व शक्ति।
अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं इसे, हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है 746 वाट, कितना होता है 746 वाट। ये मेरे प्यारे साथियों ऐसा क्वेश्चन है, ना जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये पूछा गया है, हॉर्स पावर किसकी इकाई है, तो हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, और एक हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों एक हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का क्या कर लिया है, पोस्टमार्टम कर लिया। आगे देख लेते हैं मेरे बच्चों अगला सवाल। अगला सवाल भी बेटा इसी पर आधारित है, बस इतना अंतर कह दिया है। देखिए पिछले वाले सवाल की बात करें तो ये UPGIC लेक्चरर होता है, उस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, UPPCS के थ्रू आता है, GIC में यानी UPPCS यानी GIC इंटर कॉलेज होते हैं, उनमें पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में। मेरे पहले साथियों अगला है, यही क्वेश्चन है सेम, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कह दिया इसने। इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो यही पावर है, पावर तो वही होती है मेन, P = WT ही होता है, तो WT का मतलब जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही मेरे प्यारे साथियों क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है, जूल पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है, वाट बोला जाता है। ये BPSC में आया, इसका मतलब बिहार PCS में आया हुआ, किस में आया हुआ है, BPCS का मतलब हो गया बिहार PCS, ये बिहार PCS प्री एग्जाम में 2018 का ये सवाल है, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई हमने अभी सीखी थी क्या है, वाट है। चलिए विद्युत शक्ति के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं। P = क्या है, फॉर्मूला WT होता है, क्या होता है, W/T। मेरे प्यारे साथियों W की बात करें तो यहाँ पर W की बात करें तो जहाँ W = होता है, W = होता है BIT, W = क्या होता है, BIT, तो W की जगह BIT पुट कर देंगे तो मेरे बच्चों P = क्या आ जाएगा, BIT/T, तो इस T से ये T कट जाएगी, P = क्या आ जाएगा, BI, यानी P = फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत शक्ति की बात करें तो विद्युत शक्ति में P = क्या होता है, BI, P = BI, W = मेरे प्यारे साथी होता है I²RT, क्या होता है, I²RT, कितना होता है, I²RT, RT को रख देंगे तो P = मेरे बच्चों क्या बनेगा, I²RT/T, टी से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P = बन गया मेरे प्यारे साथियों I²R। तो वैद्य शक्ति का एक फॉर्मूला P = W/T बन गया, वैद्य शक्ति का एक फॉर्मूला BI बन गया, और वैद्य शक्ति का एक फॉर्मूला I²R बन गया। मेरे प्यारे साथियों W = B²/R/T भी होता है, W = क्या होता है, B²/R/T होता है, यहाँ पर पुट कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यही P का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, P = B²/R। तो इस तरह से हमने देखा इस P के कितने फॉर्मूले बन चुके हैं, यानी P के ये चार फॉर्मूले बन चुके हैं, एक P = W/T, एक P = BI, एक P = I²R, और एक P = B²/R। तो ये होती है मेरे प्यारे साथियों वैद्युत शक्ति। यहाँ पर अर्थ आपको मालूम है, I क्या है, विद्युत धारा है, I क्या है, वैद्युत धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, और T क्या है मेरे बच्चों, समय है, और B क्या है, विभवांतर है। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ठीक, R प्रतिरोध है तो इस प्रतिरोध का मात्रक क्या है, R क्या है, प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मात्रक जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे साथियों, इस ठीक है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच लेते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों बल का मात्रक क्या है, क्या सवाल है, मात्रक पर आधारित सवाल है। द यूनिट ऑफ द फोर्स, क्या पूछा है इसने, द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक, यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स की यूनिट की बात करें हम मेरे बच्चों, देखो ये भी M ठीक है PCS में आया, मध्य प्रदेश PCS में आया हुआ है, MP PCS में आया हुआ है, ये दो है, बहुत पुराना, पहले आया था 1990 में। बात कर लेते हैं वैद्युत बल की, सॉरी बल की यूनिट की बात करें, द यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, तो फोर्स F = क्या होता है मेरे बच्चों, F = हमने कभी पढ़ा है MA, F = क्या पढ़ा है MA, M क्या है,
मास। एफ को हम कुछ इस तरह से भी लिख लेते हैं, एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी, बराबर डीपी अपॉन डीटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यानी संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। हम बात कर रहे थे एफ इज इक्वल टू एम ए, एम क्या है मास है, ए क्या है एक्सीलरेशन यानी त्वरण है, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सीलरेशन है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों मास की बात करें तो यूनिट क्या होती है किलोग्राम, क्या होती है किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, ए क्या है मेरे बच्चों त्वरण, त्वरण की बात करें तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है मेरे प्यारे साथियों किसकी फोर्स की। इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही मेरे प्यारे साथियों क्या लिखा जाता है न्यूटन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है न्यूटन, ठीक है सर। आइज़क न्यूटन थे उनके नाम पर इसका मात्रक बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन, किसके मात्र नाम पर आइज़क न्यूटन थे इसलिए उनके नाम पर मात्रक बना दिया गया न्यूटन। तो आइज़क न्यूटन वैज्ञानिक थे जिन्होंने बल के बारे में बताया था इसलिए इसका मात्रक बन गया न्यूटन। तो मेरे प्यारे साथियों हमने बल का एसआई यूनिट किसके क्या सीख लिया है, बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। एक सीजीएस प्रणाली पढ़ाई थी मैंने मेरे प्यारे साथियों, तो उस सीजीएस प्रणाली में बात करें हम किसकी, सीजीएस प्रणाली में बात करें हम ठीक है बल के मात्रक की, तो सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है क्योंकि इस सीजीएस पद्धति में किलोग्राम का मात्रक क्या होता है ग्राम होता है, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही मेरे प्यारे साथियों डायन बोला जाता है, क्या बोला जाता है डायन बोला जाता है। इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने सीखा बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है डायन। मेरे प्यारे साथियों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डायन, ये याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एक न्यूटन बराबर क्या होता है 10^5 डायन। तो हमने इस तरह से इस बल का पोस्टमार्टम कर लिया है, बल क्या है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम बल कहते हैं। एफ बराबर हमने कभी एम ए भी पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, यहाँ से हमने इसकी यूनिट निकाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मेरे प्यारे साथियों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं न्यूटन कहते हैं। सीजीएस की पद्धति में हमने एक यूनिट देखी तो एम क्या है मास, और मास की यूनिट क्या होती है आपको मालूम है सीजीएस प्रणाली में ग्राम, ए क्या है एक्सीलरेशन, क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों इसी को क्या बोला जाता है डायन, यानी हमने ये सीखा बल का सीजीएस प्रणाली में यूनिट क्या होती है डायन होती है, जबकि एमकेएस या एसआई प्रणाली में क्या होती है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कार्य का मात्रक है द यूनिट ऑफ द वर्क, ठीक यूनिट ऑफ वर्क पूछा है इसने कार्य, कार्य की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो कार्य की जो यूनिट अभी चर्चा की थी हमने पीछे, कार्य की यूनिट क्या होती है जूल होती है, क्या होती है जूल, तो ए विल बी द राइट आंसर। कार्य की यूनिट क्या होती है जूल, ऊर्जा की यूनिट भी क्या होती है जूल, इसलिए यहां पर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी मेरे प्यारे साथियों यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, ठीक एक और बिहार पीसीएस का सवाल आ गया मेरे प्यारे साथियों। आवृत्ति को मापा जाता है, क्या है सवाल आवृत्ति को मापा जाता है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों बात आती है ये आवृत्ति है क्या, फ्रीक्वेंसी है क्या, ठीक मेरे प्यारे साथियों तो फ्रीक्वेंसी हम सीख लेते हैं क्या है, ठीक फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखते हैं। फ्रीक्वेंसी होती है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जैसे मान लीजिए फैन है, फैन घूम रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो एक सेकंड में फैन जितने साइकिल कंप्लीट कर लेगा, जितने चक्कर कंप्लीट कर लेगा उनकी संख्या को मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं आवृत्ति कहते हैं, यानी एक सेकंड में पूर्ण किए गए कंपनों की संख्या ही क्या कहलाती है आवृत्ति कहलाती है। याद करें हम
चाहे तो देख सकते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरह से बहती है। क्या बहती है? ये प्रत्यावर्ती धारा है, कुछ इस तरह से आगे बहती है। तो प्रत्यावर्ती धारा की बात करें मेरे प्यारे साथियों, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर आते आते इसका क्या हो गया, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। यानी यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, एक पूरा चक्कर हो गया। यहां से आगे फिर अगला ये दूसरा चक्कर है, यहां से आगे फिर ये अगला तीसरा चक्कर है। एक सेकंड में ऐसे जितने चक्कर होंगे मेरे प्यारे साथियों, वही क्या कहलाएगी, इसकी आवृत्ति कहलाएगी। किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है मेरे प्यारे साथियों 50 हर्ट्ज। जो भारत संचार है वो कितने हर्ट्ज पर होता है? 50 हर्ट्ज पर। जबकि अमेरिका में इसी प्रत्यावर्ती धारा का जो संचालन होता है वो 60 हर्ट्ज पर होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी ये प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे इंडिया में जिसका संचालन किया रहा है, इस प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि एक सेकंड में ये कितने साइकिल कंप्लीट करेगी? 50 चक्कर। कितने चक्कर लगाएगी ये? 50 चक्कर लगाएगी। इसका मतलब ठीक है, इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे साथी वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा सॉरी आवृत्ति, आवृत्ति की बात करें हम, आवृत्ति का जो मात्रक होता है या यूनिट होती है वो क्या होती है? हर्ट्ज होती है। या और कह सकते हैं हम, क्या लगा रहे हैं? ये चक्कर हो रहे हैं यहाँ पर, क्या लगाया जा रहा है? ये चक्कर। और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वही क्या होगी? इसकी आवृत्ति होगी। एक सेकंड में जितने ये भी बिहार के आयोग सवाल है 2019 में, बिहार के आयोग सवाल है 2019 का, हर्टेज में क्या मापा जाता है, यानी हर्टेज किसका मात्रक है? तो हमने भी सीखा था हर्टेज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। हर्टेज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हर्टेज किसका यूनिट है? आवृत्ति का यूनिट। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जो हर्ट्ज एक मेरे प्यारे साथी वैज्ञानिक थे। हर्ट्ज कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोवेव्स, कौन सी तरंगे? सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तरंगे। इन सूक्ष्म तरंगों का आविष्कार किसने किया था? हर्ट्ज ने किया था। इसलिए आवृत्ति का नाम, ठीक है, इनके नाम पर डाल दिया गया। सॉरी, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक इनके नाम पर डाल दिया गया। किनके नाम पर? हर्ट्ज के नाम पर। हर्ट्ज ने क्या किया था? सूक्ष्म तरंगों का आविष्कार किया था। और सूक्ष्म तरंगे, तरंगे जानते हो, साइकिल लगाती है, लगातार कंपन करती है तरंगे। तो एक सेकंड में कंपनों की संख्या, तरंग के कंपनों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति। इसलिए आवृत्ति का मात्रक मेरे प्यारे साथियों क्या डाल दिया गया? हर्ट्ज। एक पंथ दो काज हो गए। तो हमने क्या सीखा? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। और हर्ट्ज वैज्ञानिक है जिन्होंने सूक्ष्म तरंगों का क्या किया है? आविष्कार किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है, ठीक, यानी वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा है मेरे बच्चों। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या दिया है? यानी रेजिस्टेंस पूछा है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, तो देख लेते हैं। अभी हमने कमेंट में पूछा भी था, तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? ओम होता है। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। R बराबर होता है मेरे बच्चों B/I। R बराबर क्या होता है? B/I। यहां से बनाना चाहे तो एक और मात्रक बन जाएगा। बी का मतलब क्या होता है? बोल्ट। और आई का मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो मात्रक एक और बन गया, बोल्ट पर एम्पियर। और बोल्ट पर एम्पियर को ही मेरे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं? ओम कहते हैं। आर प्रतिरोधों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम आर से। और R बराबर होता है B/I। B का मतलब बोल्ट, I का मतलब एम्पियर, बोल्ट पर एम्पियर। और इस बोल्ट पर एम्पियर को ही मेरे प्यारे साथियों क्या बोला जाता है? ओम। और ये इसका एक स्टैंडर्ड सिंबल है, ये स्टैंडर्ड सिंबल है ओम का।
आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश वर्ष इकाई है। मैंने लास्ट वीडियो में इसकी चर्चा की थी बहुत ज्यादा, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है। आप देख भी रहे हो कई एग्जाम्स में आया हुआ भी है, इसमें कम दिया हुआ, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष इकाई है, द यूनिट ऑफ द लाइट ईयर, तो हमने बताई थी किसकी इकाई है ये, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। क्या है? दूरी की इकाई, दूरी का मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा कितने समय में? एक वर्ष में। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बात कर लेते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होगी कितनी। पहले सबसे पहले देखते हैं एक सेकंड में तय की गई दूरी क्या है। तो निर्वात या वायु में प्रकाश द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी होती है मेरे प्यारे साथियों 3×10⁸ मीटर, या और लिखना चाहें तो इसी को लिख देते हैं हम 300,000 किलोमीटर। प्रकाश मेरे प्यारे साथियों निर्वात या वायु में कितनी दूरी तय करता है? 300,000 किलोमीटर की दूरी प्रकाश एक ही सेकंड में तय कर लेता है। एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा मेरे प्यारे साथियों, तो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा? तो एक वर्ष में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। क्या कहलाती है? लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, एक लाइट ईयर, ठीक, एक लाइट ईयर की बात करें तो ये होता है 9.46×10^15 मीटर, 10^15 मीटर, 9.46×10^15 मीटर एक लाइट ईयर होती है मेरे प्यारे। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे फॉरवर्ड करिए, यानी फॉरवर्ड करने का मतलब, हाँ, अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष आपने अभी मैंने चर्चा की थी, क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। क्या होता है? ये भी लोअर पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। सवाल कह रहा है प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर क्या है? तो लाइट ईयर क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। पहला सवाल क्या है? प्रकाश वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, गलत उत्तर है। वह वर्ष जिसमें प्रकाश, जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, बिल्कुल गलत उत्तर है। अगला है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? लाइट ईयर कहलाती है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी नहीं, तो सबसे सही सटीक जवाब क्या है? सी, सी विल बी द राइट आंसर। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। मेरे साथियों अगला सवाल, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो अभी हमने क्वेश्चन को बताई दिया है, लास्ट क्वेश्चन यही था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की, ठीक। कितना होता है? तो अभी लिखा था हमने 9.46×10^15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46×10^15 मीटर, ठीक। मेरे पास ये साथियों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो अभी सीख लिया है, दूरी का है, कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये बार बार। प्रकाश वर्ष है, दोबारा से वही क्वेश्चन फिर से आ गया। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी, वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, नहीं मेरे प्यारे साथियों वो लीप वर्ष कहलाती है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है वो लीप वर्ष नहीं, सॉरी प्रकाश वर्ष नहीं होती है, वो क्या होती है? लीप वर्ष कहलाती है। उसे क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष बोलते हैं, ना कि प्रकाश वर्ष। उसे क्या बोलते हैं हम? लीप वर्ष। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, बिल्कुल सही जवाब है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अगला है वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक। अब वह समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी, बिल्कुल नहीं, तो कौन सा ऑप्शन? बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक
पारसेक तारों संबंधी दूरियों नापने का मात्रक है। पारसेक क्या है? ये पारसेक पूंछी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पारसेक की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो पारसेक आपको कल लास्ट क्लास में हमने बताया था एक पारसेक है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों हमने बताया था ये प्रकाश वर्ष का लगभग कितने गुना होता है? 3.25 गुना होता है। तो पारसेक क्या होता है? प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना होता है, 3.25 times ऑफ लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? पारसेक होता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही हो। जल्दी से शेयर, ठीक है, शेयर करिए सेशन को, फटाफट से शेयर करिए जिससे और लोग भी, ठीक है, जुड़े, उनका भला हो। ठीक मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसेक मात्रक है, तो आपको मालूम है ये पारसेक दूरी का मात्रक है, एक बहुत बड़ा मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष का भी ये कितने गुना होता है? 3.25 गुना होता है। इसका मतलब ये सीखा हमने कि पारसेक क्या है? दूरी का एक मात्रक है। ठीक मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ठीक मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। और मेरे प्यारे साथियों हम इंच जानते हैं क्या होता है, एक इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। क्या होता है? एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये एक इंच है। एक इंच कितना होता है? ठीक, एक इंच बराबर होता है, ठीक, कितना? 2.54 सेंटीमीटर। अब ये इसका सवाल सीधे सीधे ये नहीं है, माप की कौन सी इकाई है जो 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है? तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। मेरे पहले साथियों सवाल सुनिए दोबारा से, मिलीमीटर होगा क्या? अगर हम इसमें मिलीमीटर का गुणा कर दें, आपको मालूम है एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। किसमें? एक सेंटीमीटर में। अगर हमने मिलीमीटर में हमने गुणा कर दिया किसका? 0.39 का। कितने का गुणा कर दिया? 0.39 का। तो कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे? 3.9 सेंटीमीटर, जबकि बात कितना होना चाहिए? 2.54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सही जवाब नहीं है। नहीं बात के लिए दोबारा से सुनिए इसी बात को। हम कह रहे हैं इस सवाल के अनुसार ये कौन सी इकाई है जिसमें 0.39 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? इंच प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इंच। मेरे प्यारे साथियों अगर बात करें हम मिलीमीटर की, तो एक मिलीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। अगर मिलीमीटर में इसी सवाल को देखा जाए तो 25.4 मिलीमीटर होगा। किसके बराबर? एक इंच के बराबर। एक इंच में कितने मिलीमीटर होंगे? 25.4 मिलीमीटर। जबकि अगर हम 10 से गुणा कर दें तो कितना मिलेगा हमें? 0.39। यानी ये बिल्कुल गलत उत्तर है। सेंटीमीटर में मेरे बच्चों गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? तो भी नहीं मिलेगा, यानी ये भी गलत उत्तर है। मीटर की बात कर ले तो एक मीटर में हमें मालूम है कितना सेंटीमीटर होता है? 100। कितना वो होता है? 100। अगर हम 100 में गुणा कर लें 0.39 का तो क्या मिलेगा? 39 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत जवाब है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगला है मेरे प्यारे साथियों डेसीमीटर। एक डेसीमीटर बराबर क्या होता है? ठीक, एक डेसीमीटर, एसी का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर के, तो 10 गुणा कर लेंगे 0.39, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? 3.9। क्या बन जाएगा? 3.9 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3.9। ये थोड़ा सा गलत सवाल है, इसमें कहीं ना कहीं गलती है, ये 2.9 होना चाहिए। तो कुल मिला के ये वाला सही जवाब मिल रहा है, अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग बराबर है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? यानी 1 पारसेक, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत टाइप है,
ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए सवाल देख लेते हैं। इसके अनुसार 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 6 फीट है मेरे प्यारे साथियों, कितने फीट है? 6 फीट। इसको किस में बदलना है? नैनोमीटर में। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 1 फीट बराबर क्या होता है, 1 फीट बराबर होता है 30 सेंटीमीटर। कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। कितना होता है? लगभग में 30 सेंटीमीटर होता है किसके बराबर? 1 फीट के बराबर। बात कितने फीट की चल रही है? 6 फीट की। 6 फीट की बात करें तो 30 × 6 बराबर कितना हो गया? 180 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 180 सेंटीमीटर हो गया, लगभग में हुआ ये। वैसे होगा एग्जैक्टली कितना? 183। ठीक, देख लेते हैं हम। 180 लगभग में हुआ, क्योंकि 2.54 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 इंच के बराबर। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। तो इसका मतलब 12 गुणा करेंगे 2.54 में, तो ये लगभग 30 पॉइंट कुछ निकल के आएगा। चलिए देख ही लेते हैं एग्जैक्टली क्या आएगा। 12 × 48 के 8, 12 × 5 = 60 और 4 × 64 = 4, 12 × 2 = 24। ठीक, 12 × 2 = 24, 24 × 6 कितने होते हैं? 30। 30.48 सेंटीमीटर होता है मेरे साथियों, कितना? 30.48 सेंटीमीटर। दोबारा से सुनिए, 12 का गुणा कर दे 2.54 में, ठीक, 12 का गुणा करेंगे तो 30.48 सेंटीमीटर आएगा, 30.48 सेंटीमीटर, जबकि हमने इसके अप्रोक्सीमेट क्या लिख रखा है? 30 सेंटीमीटर रखा है। इसमें भी गुणा कितने का कर देंगे हम? 6 का। कितने का मल्टीपल कर देंगे? 6 का। तो 6 से मल्टीपल करेंगे, 6 × 8 = 48 के 8, 6 × 4 = 24, 24 × 4 = 28, 28 का हो गया 2, 6 × 18, 182.88 यानी 183 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 183 सेंटीमीटर हो गया किसके बराबर? 6 फीट में। 6 फीट में कितने सेंटीमीटर? 183 सेंटीमीटर। हम बात कर रहे थे नैनोमीटर में, तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी मेरे प्यारे साथियों, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो 1 नैनोमीटर में हमने कितने हमने 1 नैनोमीटर में पढ़े थे 10^-7 सेंटीमीटर। क्या सीखा था हमने? 1 नैनोमीटर बराबर 10^-7 सेंटीमीटर। अब मैं उल्टा करूं, क्या करूं? उल्टा। उल्टा का मतलब 1 सेंटीमीटर में निकालूं, 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे? तो 10^7 नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर? 10^7 नैनोमीटर। जबकि सेंटीमीटर कितना है मेरे बच्चों? सेंटीमीटर है 183 सेंटीमीटर। कितना है? 183 सेंटीमीटर। कितना है? 183 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने? 10^7 नैनोमीटर। तो कुल मिला के कितने नैनोमीटर हो गए? 183 × 10^7 नैनोमीटर। यानी हमने ये सीखा कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की जो लंबाई होगी वो होगी 183 × 10^7 नैनोमीटर। तो इसका सी विल बी द राइट आंसर। क्या सीखा हमने? सी विल बी द राइट आंसर, यानी 183 × 10^7 नैनोमीटर। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर होता है, तो अभी चर्चा कर ली हमने, 1 नैनोमीटर = 10^-7 मीटर होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये पॉपुलर सवाल है, क्योंकि बालक 1 नैनोमीटर समतुल्य होता है मेरे बच्चों। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10^-9 मीटर। ये नैनो क्या है? एक प्रीफिक्स है, और नैनो के बाद जो लगा हुआ वो यूनिट है। नैनो क्या है? प्रीफिक्स। हमने बताया था प्रीफिक्स मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। मिली में 10^-3, माइक्रो में 10^-6, नैनो में 10^-9, फेमटो में 10^-12, ठीक है। ऐसे ही
गड़बड़ हो गया, पिको में होता है 10^-12 और फेम्टो में 10^-15 मिली, 10^-3 माइक्रो, 10^-6 नैनो, 10^-9 पिको, 10^-12 फेम्टो, 10^-15 और ऑटो 10^-18। ऐसे ही हाई प्रीफिक्स थे, उच्च पूर्व लग्न थे, जो कह रहे थे हम किलो, किलो का मतलब 10^3, मेगा 10^6, गीगा 10^9, टेरा 10^12, पेटा 10^15 और एक्सा 10^18। और भी बड़े पूर्व लग्न थे। तो पूर्व लग्न है मेरे प्यारे साथियों नैनो, जब कभी भी नैनो की बात होती है 10^-9 आ जाता है। अब इसकी यूनिट लास्ट में क्या है, नैनो के बाद क्या है वो आती है, तो नैनो के बाद में क्या लगा हुआ, मीटर, तो 10^9 नैनोमीटर। अब बालक यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, यहां पर हमें यूनिट देखनी चाहिए कि हमारे ऑप्शन में यूनिट क्या है, हमारे ऑप्शन में मीटर नहीं है, क्या है, सेंटीमीटर है सब जगह, क्या है, सेंटीमीटर। इसका मतलब इस मीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें बदलना होगा, सेंटीमीटर में। तो आपको मालूम है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10^2 सेंटीमीटर, तो कुल मिला के 10^-7 क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, क्या बनेगा, 10^-7 सेंटीमीटर। तो बी विल बी द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, बी, 10^-7 सेंटीमीटर। ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ये सुपर टेट में भी आया हुआ सवाल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, जूनियर में एडेड कॉलेज, एडेड, ठीक है, विद्यालय के लिए, जूनियर के लिए एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ है। एक नैनोमीटर बराबर होता है, तो अभी हमने सीख लिया एक नैनोमीटर मीटर है नैनो के बाद, और ऑप्शन में भी, ऑप्शन में भी क्या पड़ा हुआ है, मीटर, तो एक नैनोमीटर 10^-9 मीटर, तो ए विल बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मापने की इकाई है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको मालूम है एम्पियर किसको मापने की इकाई है, विद्युत धारा को मापने की इकाई है, तो विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, एम्पियर में, और मापने का जो यंत्र है वो क्या है, अमीटर, किसके द्वारा मापा जाता है, अमीटर के द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम है अमीटर, क्या नाम है, अमीटर, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, अमीटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, तो वाट आपने सीखा था पावर, वाट क्या सीखा था हमने, पावर की इकाई है, मेगावाट भी किसकी इकाई है, ठीक है, पावर की इकाई है, और ये किसके लिए होती है, ट्रांसमिशन के लिए होती है, उत्पादित की जाती है, मेगावाट बिजली के मापने की इकाई, जो कि उत्पादित की जाती है, उपभोग में की जाती है, बचत में की जाती है, ट्रांसमिशन में हास में हो जाती है, तो उपभोग में की जाती है, सॉरी उत्पादित की जाती है, जहां पर जितने भी स्टेशन होते हैं, जहां पर बिजली का उत्पादन हुआ होता है, वो होता है मेगावाट में, ठीक है, उत्पादित की जाती है, ठीक है, उपभोग में की जाने वाली यूनिट उसके होते हैं किलोवाट घंटा, क्या होता है, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी जो स्टेशन होते हैं जहाँ पर बिजली बनती है वो किस में मापे जाते हैं, यानी मेगावाट में लगे होते हैं, ठीक है, पावर प्लांट जो होते हैं वो किस में होते हैं, मेगावाट में, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम कल आके सीखते हैं, ठीक मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो आती रहे वो आपके, ठीक है, नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचती रहे, ठीक मेरे प्यारे साथियों।